हाँ जी, जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस जो है जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि मैं उसको क्लियर करूं, उसको बताएं कि वो है क्या। तो उस हवाले से मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आप तक ये बता रहा हूं कि हम जीएसपी प्लस स्टेटस जो है उसके हवाले से काम कर रहे हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में। इसका मकसद कतई तौर पर ये नहीं कि हम यूरोपियन पार्लियामेंट को ये कह रहे हैं कि आप जीएसपी प्लस स्टेटस को रोकें, नहीं, क्योंकि जीएसपी प्लस स्टेटस जो है उसकी वजह से पाकिस्तान की जो मार्केट है, पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है जिनमें ख़ास तौर पर टेक्सटाइल जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में यूरोपियन मंडियों तक पहुंचती है बग़ैर टैक्स के, और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिनको यूरोपियन यूनियन ने ये जीएसपी प्लस स्टेटस दिया है, जो कि 10 साल के लिए था। 2014 में शुरू हुआ था, अब 2024 में यानी 2023 की दिसंबर को ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद अगला। अच्छा, हमारा झगड़ा क्या है? हमारा झगड़ा ये है कि ये जीएसपी प्लस स्टेटस जो है ये 27 कन्वेंशन जो हैं वो बाउंड हैं पाकिस्तान की तरफ से, इनको बाउंड, पाकिस्तान को बाउंड किया गया है। 27 कन्वेंशन हैं जिनमें से इंसानी हकूक के हवाले से, फिर जो फोर्स लेबर्स है उस हवाले से, उसके बाद फिर जो माहौल की आलूदगी जो है उस हवाले से, जो यानी जो एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है उसके हवाले से पाकिस्तान को पाबंद करना, और पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस का जो सिस्टम है वो उस हवाले से, ये कुछ चंद चीज़ें हैं। आपको याद होगा फेटफ में 37 उनके नुकात थे जिनको इन्होंने पाकिस्तान को, उनके नकात जो हैं जितने भी थे वो पाकिस्तान ने माने थे और उनको पूरा किया था, जिनमें कुछ बड़े इकदाम भी किए, कुछ ऐसे एक्सट्रीम लोग थे जिनको पकड़ा और जेलों में डाला। तो ये सारी चीज़ें थी, ये काम करने से होता है। जीएसपी प्लस स्टेटस जो है, हमारा मकसद जो है वो सिर्फ इतना सा है कि जीएसपी प्लस स्टेटस में वो कन्वेंशंस जो इंसानी हकूक को प्रोटेक्ट करती हैं और जो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं, उन पर अमल दरामद के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो पाकिस्तान को कहे, और पाकिस्तान जो है वो भी उस पर वो कॉम्प्रहेंसिव किस्म की प्लानिंग करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च, बल्कि उसको मुकम्मल करें। और उसके बाद फिर आपने देखा फोर्स लेबर्स जो है, हमारे कई माइनॉरिटीज़ से कई बच्चे जिनमें मसीह हिंदू जो हैं, कम उम्र के बच्चे, वो भट्टा लेबर जो है जहाँ ईंटें बनती हैं वहाँ मजदूरी करने पर मजबूर हैं, और उसके बाद फिर हमारी जो बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा है, इन सारी चीज़ों के लिए हम यूरोपियन पार्लियामेंट को ये जोर दे रहे हैं कि आप भी 10 साल तक सोते रहे हो, क्योंकि हमने 2014 में यूरोपियन पार्लियामेंट में के साथ मीटिंग करके हमने इस हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद की थी, और अब 10 साल गुजरने के बाद भी अगर पाकिस्तान के हालात जूं के तू हैं तो कौन जिम्मेदार है इसका। तो ये मकसद था इसका। कुछ दोस्तों ने फेसबुक पे भी मुझे मैसेज लिखा कि जीएसपी प्लस क्या है, तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक उन ममालिक में जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको, जिनमें मेरे ख्याल 11-12 ममालिक हैं जिनको ये स्टेटस दिया गया है। इस स्टेटस के उसमें ये छूट दी गई है कि पाकिस्तान जो है, बल्कि पाकिस्तान सबसे बड़ा बेनिफिशरी है, जितने भी ममालिक में सबसे बड़ी जो मार्केट है, सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है वो पाकिस्तान के पास जा रहा है। 5.6 बिलियन डॉलर जो है वो बचा रहा है इस टैक्स को, इस स्कीम के तहत। तो अगर ये क्योंकि 1 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान जो है वो कितना मजबूर है इस वक्त, जो सूरत हाल है हमारा मुल्क है, हमें अफसोस होता है। तो ये तो बहुत बड़ी रकम है। सिर्फ पाकिस्तान को करना क्या है कि वो अकलियतों को उनके हकूक दें, अकलियतों हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनके तहफ़ को यकीनी बनाएं, और अकलियतों को बराबर के हकूक दें। सिर्फ इतनी सी हमारी बात है, और ये उनका हक है। तो अगर ये जो यानी अगर ये कोई बात गलत है तो आप मुझे बताएं, मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ। कोई भी दोस्त जो है, क्योंकि हमारे अपने लोग प्रोपोगंडा करने के लिए तैयार हो जाते, बैठ जाते। तो सिर्फ मकसद ये है कि हम यूरोपियन पार्लियामेंट में यूरोपियन यूनियन को भी ये बावर करवाएं कि आप इस पर पाकिस्तान से बात करें, उनको कहें कि वो अकलियतों के तहफ़ को यकीनी बनाएं और उनको उनके जो हकूक हैं वो बराबरी के वो दें, और पाकिस्तान की हुकूमत को भी चाहिए कि वो इसके ऊपर अमल दरामद करें। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी, और डिटेल फिर हम आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे। हम इसके ऊपर एक तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं, हमने यूरोपियन पार्लियामेंट में बात भी की है, अभी आने वाले
हफ्तों में एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान जा रहा है यूरोपियन पार्लियामेंट का, और उसके बाद हमने क्योंकि पिटिशन दी हमने, और वो वहाँ जाकर बात भी करेंगे, और बाकी जो है वो आप जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ेगी हम आपको बताएंगे। आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि दुआ में हमें याद रखें। वॉटसन गिल, थैंक यू वेरी मच।